बिग बॉस 17 में विकी ने अंकिता बार निकली फरास। रियलिटी शो बिग बॉस 17 सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में इस बार विकी का वार एपिसोड में फिल्म मेकर करण जौहर नजर आए। करण ने कंटेस्टेंट की अच्छे से क्लास भी लगाई। करण जौहर ने विकी जैन से कहा कि जब उनकी मां नेशनल टीवी पर अंकिता को इतना कुछ कह रही थी तो उस दौरान विकी को अंकिता को सपोर्ट करना चाहिए था। करण के जाने के बाद विकी ने अंकिता से पूछा कि आखिर मेरी मां ने तुम्हें ऐसा भी क्या क्या दिया है। इस पर अंकिता कहती है, मेरी मम्मी को पापा ने कॉल करके कहा था कि क्या अब भी अपने पति को ऐसे ही चप्पल जूते उठाकर मारती है। इतना ही नहीं, पापा ने और भी कहा था कि आपकी औकात क्या है। ये सब सुनने के बाद विकी ने भी अंकिता को काफी बातें सुनाई। जाहिर सी बात है, अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह की बातें सुनकर विकी को काफी बुरा लगा। विकी ने अंकिता पर फरास निकलते हुए कहा, अगर तुम्हारे पापा ये सब देखते तो क्या कहते, उन्हें भी ये सब अच्छा नहीं लगता, वो भी खुद को एक्सप्रेस करते। विकी ने आगे कहा, उन्हें और उनकी फैमिली को अहंकारी दिखाया जा रहा है, वही अंकिता और उनकी फैमिली को विक्टिम बताया जा रहा है। विकी ने अपनी फैमिली का पक्ष लेते हुए कहा, मेरी फैमिली ने कभी आपकी चीजों में दखल अंदाजी नहीं की, फिर चाहे वो आपके कपड़े हो या आपका प्रोफेशन, उन्होंने आपको किसी भी चीज के लिए कभी नहीं टोका। विकी ने यह भी कहा कि शादी के बाद अंकिता 10 दिन भी ससुराल में नहीं रही, वो मुंबई में अलग रह रही थी, जबकि विकी जैन की फैमिली बिलासपुर में थी। विकी ने अंकिता से पूछा, जब मैंने आपके घर वालों के साथ रहने आया तो क्या मैंने कभी अमीर दामाद वाला एटीट्यूड दिखाया था? हमेशा एक बेटे की तरह आपके परिवार के साथ रहा। मैं जब आपके साथ रिलेशनशिप में आया तो सुशांत सिंह राजपूत और आपके पास रिलेशनशिप की वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मैंने सब कुछ अपने ऊपर लिया। अगर तुम्हें कभी भी मेरी किसी बात से एतराज होता तो मुझसे शादी ही क्यों करती? तुमने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की, मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली के साथ खड़ा रहा हूँ। ये सब सुनकर अंकिता ने विकी से माफी भी मांगी, लेकिन विकी ने कहा, सॉरी, हर चीज को आप रिपेयर नहीं कर सकते। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और से अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।